गाइस काउंसलिंग चल रही है यहाँ और दिखाते हैं आप लोगों को, यहाँ हेल्प डेस्क लगा हुआ हमारे शांतनु भाई। 2 4 5 0 प्रोसेस नहीं है, पर अभी बहुत सारे स्टूडेंट का इसी काउंसलिंग 17 और 18 को है, उसको बहुत सारा क्यूरी है। अभी हम लोग सर के साथ, इमरान सर के साथ इसी हेल्प डेस्क पे बैठे थे और काउंसलिंग कर रहे थे, ऑफलाइन ऑनलाइन काउंसलिंग किया, 4 बजने वाले हैं। अब तक कोई स्टूडेंट 50-60% स्टूडेंट काउंसलिंग हुई अब तक। तो जो स्टूडेंट की कन्फ्यूजन था वो मैं क्लियर इमरान सर के द्वारा करवा दूंगा। सर पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट का है वो ये है कि क्या वो कश्मीर में या जम्मू में है, क्या वो ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं या उसको सिर्फ ऑफलाइन काउंसलिंग करना होगा। देखो सर लास्ट में एक चीज़ और पूछना चाहिए सर, जो ऑनसाइट स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि क्या मैं आना आऊँ यहाँ या आना सही हो ना हो। सर ऑनसाइट स्टूडेंट जो आने वाले हैं उनके लिए सर क्या आप कहेंगे? सर आप कहाँ से? मैं बेसिकली हरियाणा से। ओके, तो सर जो हमारे हरियाणा से हैं तो मैं भी सोचा कि सर के पास आएँ और जो भी स्टूडेंट का क्वेश्चन था, प्रॉब्लम था कि मैं ऑनलाइन काउंसलिंग अभी चल रही है या एडमिशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है, मुझे लगता है सर छोटे लफ्ज़ों में सर जो वो इस चीज़ को आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर देंगे। ओके यस सर। दोस्तों वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो, मैं मुदस्सिर फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। जैसा आप देख सकते हैं आज 16 अगस्त है, यानी कि आज काउंसलिंग का फर्स्ट डे है। जो हमारी यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन या प्लस ऑफलाइन काउंसिल हो रहा है वो सुबह से ही चल रहा है, तो मैं भी थोड़ा बिजी था इसी चीज़ में तो मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था, लेकिन मैं सोचा कि चलते हैं और आप लोग दिखाते हैं सारा प्रोसेस, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन प्रोसेस काउंसलिंग कैसे चल रहा है। तो चलते हैं और दिखाते हैं आप लोग को, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन होगी क्लियर तो मैं क्लियर कर दूँगा। वीडियो शुरू से इधर देखना सारा कन्फ्यूजन, काउंसलिंग ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सब सारा कॉन्सेप्ट जो आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो शुरू से आखिर तक देखना, बने रहना, फिर मिलते हैं। गाइस काउंसलिंग चल रही है यहाँ और दिखाते हैं आप लोग को यहाँ हेल्प डेस्क। तो हमारे शांतनु भाई यहाँ बैठे हैं। शांतनु किस वक्त से तुम यहाँ बैठे और क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं बैठा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट आउटसाइडर या इनसाइडर यहाँ का भी कोई भी आएगा तो मैं उसकी हेल्प के लिए बैठा हूँ और जितना हेल्प हो सकेगा उससे ज़्यादा मैं करूँगा। शांतनु भाई कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। शांतनु भाई यहाँ हेल्प डेस्क से बैठे हैं हेल्प करने के लिए, बाकी ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही है वो दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ का कुछ स्टूडेंट ऑफलाइन काउंसलिंग के आए हैं, वो बैठे हुए हैं अंदर। यहाँ ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही है, दिखाते हैं आप लोगों को। टोटल स्कोर आउट ऑफ 500 score out of 500? Yes sir, 352. Okay. I am saying it is out of 500. Yes sir, 500. Okay. 5 subjects. Yeah. 70.4%. Please go and check. You can check it out online now, huh? The successful Ali. Ali. Ali FT. Ali FT. दोस्तों मैंने आप लोगों को कोशिश किया जो भी दिखाया काउंसलिंग क्या प्रोसेस नहीं है, पर अभी बहुत सारे स्टूडेंट का इसी काउंसलिंग 17 और 18 को है, उसको बहुत सारा क्यूरी है। अभी हम लोग सर के साथ, इमरान सर के साथ इसी हेल्प डेस्क पे बैठे थे और काउंसलिंग कर रहे थे, ऑफलाइन ऑनलाइन काउंसलिंग किया, 4 बजने वाले हैं अब तक। कोई स्टूडेंट 50-60% स्टूडेंट काउंसलिंग हुई अब तक। तो जो स्टूडेंट की कन्फ्यूजन था वो मैं क्लियर इमरान सर के द्वारा करवा दूंगा। सर पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट का है वो ये है कि क्या वो कश्मीर में या जम्मू में है, क्या वो ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं या उसको सिर्फ ऑफलाइन काउंसलिंग करना होगा। देखो बेटा, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टूडेंट्स हमने ऑनलाइन भी रखा है और ऑफलाइन भी रखा है। ऑनलाइन हमने इसलिए रखा ताकि जो स्टूडेंट्स फॉर फ्लंग एरिया से आउटसाइड द स्टेट रहते हैं, जैसे लाइक यूपी बिहार या इवन कि जम्मू से भी स्टूडेंट्स है, भद्रवाह पूंछ राजौरी, उनके लिए ऑनलाइन है। और जो स्टूडेंट्स यहाँ रहते हैं लोकल,
तो उनके लिए ऑफलाइन है। एंड इवन अगर कोई लोकल स्टूडेंट भी, उसको कोई इमरजेंसी है, सम के से दैट किसी को कुछ प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट का मसला है या किसी को घर में कोई प्रॉब्लम है, तो वो ऑनलाइन वो कर सकते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ओनली ये ऑफलाइन है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो सही बात है सर के अकॉर्डिंग कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर किसी परेशानी है, दिक्कत है, इमरजेंसी है, तो आप ऑनलाइन भी काउंसलिंग कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था सर, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास कमेंट कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर ये बताया कि मेरा स्कोर बहुत कम है, क्या मुझे काउंसलिंग करना चाहिए या मैं वहाँ फिजिकली आऊँ, वहाँ ऑफलाइन काउंसलिंग करने मेरा टाइम वेस्टेज होगा, तो वैसे स्टूडेंट को क्या मोटिवेशन देंगे? बेटा स्कोरिंग कम है, किसी को या ज़्यादा है, तो काउंसलिंग इज मस्ट। तो काउंसलिंग जरूरी है, हर एक को काउंसलिंग जरूरी है, जिन जिनने जो अपीयर हुए एंट्रेंस के लिए उनको काउंसलिंग जरूरी है। तो उनको ऐसा नहीं है कि उनका स्कोर कम है तो काउंसलिंग नहीं करनी है, लेकिन उनको फॉर काउंसलिंग। सर तीसरा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, वो लोग माइंड में है सर कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा वेरीफाई होगा, कौन सा क्या क्वेश्चन पूछेंगे ऑनलाइन कोर्स में। स्टूडेंट बहुत सारे कंफ्यूज है कि हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या क्या होगा, बहुत मतलब बहुत सारा क्वेश्चन उनके माइंड में चल रहा है। हाँ, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होगा सर ये बताइए। देखिए डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट तीन चार इंपॉर्टेंट है। एक डॉक्यूमेंट है 10th मार्क्स कार्ड, क्योंकि 10th तो बेस ही है, तो उसके बाद 10+2 कैन सी दैट 12th। 12th इज मच मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू 10th, बिकॉज 12th के बिना पे ही एक बच्चा एंट्रेंस देता है। उसके अलावा और कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? उसके अलावा बेटा किसी को इस कैटेगरी है, चाहे वो ST है, SC है, EWS है, OBC है, नॉट RBA। तो RBA यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यहाँ पे वो नॉट है, वो ना एप्लीकेबल है। OBC है, ST है, SC है, EWS है, इवन और कोई कैटेगरी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल है, वो ला सकते हैं। बट चीज़ जो है कि ये होना चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका डेट गया होगा तो वो आज दिखा। ये इम्पोर्टेंट बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग माइंड मेकअप कर लें कि आपका डेट इनवैलिड नहीं होना चाहिए। इनवैलिड डेट नहीं होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा, उनकी जो सर्टिफिकेट कैटेगरी का जो था डेट वो खत्म हो चुका था। तो डेट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, तो उस वैलिड पे हम देखते हैं डॉक्यूमेंट्स। ये बात आप लोग माइंड मेकअप कर ले। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताना चाहें कि 17 और 18 जिसकी काउंसलिंग होगी उसके लिए बेफिक्र रहें। आप लोग का उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट करें, मैं आपकी हेल्प के लिए, हमारे सर जो भी हमारी टीम है, जो हमारी सीजी की फेडरेशन थी, वो हमारी हेल्प के लिए तैयार है, आप लोगों की हेल्प के लिए, वो कंटिन्यू आप लोगों की हेल्प कर रही है। और मुझे सब और एक बार मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि जो स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज सेंटर कश्मीर है, हमने यहाँ पे 6-7 डेस्क बनाए ABCDEF, एंड हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं रोल नंबर, सीरियल नंबर्स। तो ये हमने क्योंकि हमने इसलिए किया ताकि जो बच्चे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ताकि हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि हर एक टीचर इसके साथ लगे रहेगा, ही विल गिव 100% एफर्ट, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दैट इज व्हाई कि हमने डेस्क बनाए, हमने सीरियल नंबर को किया डिस्ट्रीब्यूट ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। दैट इज व्हाई कि हमने आज भी काउंसलिंग की है, काउंसलिंग के हिसाब से हमने डेस्क बनाए A to F तक। तो दोस्तों मैंने जो अपना एफर्ट लगाया, अपना कोशिश किया अब तक कवर करने का, काउंसलिंग प्रोसेस लगभग चल रहा था, खत्म होने वाला है, तो मैं आया बिलाल सर के पास। तो मैं सर से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो स्टूडेंट का मोस्टली स्टूडेंट का जो डिमांड था, ये इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए कि मेरे लिए क्या पॉजिटिविटी होगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में आने के लिए, या मैं क्यों आऊँ, यहाँ का क्या फैकल्टी क्या है, या क्या अपॉर्चुनिटी हमारी यूनिवर्सिटी जो है लॉ डिपार्टमेंट प्रोवाइड करवाती है। तो हमारे साथ मैंने सोचा हमारे ये क्वेश्चन का जवाब बिलाल सर ही इसी सही वे में दे सकते हैं। तो सर बिलाल सर आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे। सर नहीं मुदसर, मुझे लगता है कि इसका जो सबसे अच्छा जवाब हो सकता है वो हमारे जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं वो दे सकते हैं। तो इस उस कॉन्टेक्स में मैं ये कहूँगा कि जो हमारी फैकल्टी है माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी है, जो हमारा सारा लाइनअप है फैकल्टी मेंबर्स का, और जो हमारा यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ है, और इक्वली दे आर सो सपोर्टिव सो फार एज स्टूडेंट्स यू नो वेलफेयर इज कंसर्न, या जो भी उनका इंटरेस्ट होते हैं। तो जो फैकल्टी है मैं ये आपको बहुत ही क्या कहते हैं कि श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि चाहे क्लासरूम टीचिंग है, चाहे असाइनमेंट्स हैं, चाहे
जो डिफरेंट तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं, वर्कशॉप्स हैं, या जो मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स यहाँ होते हैं, या मूट कोर्ट्स हैं, या इंटर्नशिप्स हैं, या लीगल लिटरेसी प्रोग्राम्स हैं, तो बराबर एक ऐसा पैकेज है बच्चों के लिए कि जिससे जो उनकी मेहनत है अल्टीमेटली वो उनको बेस्ट लेवल तक ले जाएगी और आगे जाके वो किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे जुडिशरी में, चाहे सिविल सर्विसेज में, चाहे एकेडमिक्स में, किसी भी क्षेत्र में जब वो आगे जाएंगे, जिस तरह का ट्रेनिंग और जिस तरह का स्किल हम उनको यहाँ पे अवेलेबल कराते हैं, या हम उनको जिस तरह का एक्सपोजर हम उनको यहाँ देंगे, तो उससे वो जो है माशाल्लाह किसी भी एरिया में और किसी भी फील्ड में वो अपना लोहा मना सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखेंगे हमारे अलमनाई का, हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे रहे हैं, बहुत सारे जुडिशरी में गए हैं, मुनसिप्स हैं ऑलरेडी, दे आर प्रूविंग देयर मेटल देयर इन द जुडिशियल फील्ड। तो इसी तरह से सिविल सर्विसेज में भी हमारे बच्चे यहाँ से जो निकले, सिविल सर्विसेज क्रैक किया, मुझे लगता है 3-4 बच्चे हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज किया है, और इसी तरह से और भी जो बहुत सारे फील्ड्स हैं, चाहे एकेडमिक्स की हम बात करें, तो पूरा एक ये डेटा हमारे पास है जिनसे बच्चे जो है ये फील्ड ले सकते हैं कि किस तरह से क्या क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हो सकती हैं। तो सर थैंक यू सर, लेकिन सर लास्ट में एक चीज़ और पूछना चाहिए सर, जो आउटसाइड स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि क्या मैं आना आऊँ यहाँ, या आना सही हो ना हो। सर आउटसाइड स्टूडेंट जो आने वाले हैं उनके लिए सर क्या आप कहेंगे? सर उनके लिए मैं बस एक ही बात कहूँगा, सी इफ मतलब यू आर सपोज टू बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट। जैसे बिल्कुल, इफ यू वांट टू स्टडी, इफ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ वीज़ावी यू नो लॉ एंड द रिलेटेड फील्ड्स, देन यू शुड विजिट अस, है ना। तो यही है कि अगर आपकी प्रायोरिटी स्टडी है और आप स्टडी या एजुकेशन में कुछ अच्छा सा कुछ करना चाहते हैं अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, देन मुझे लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन, दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पे वो आके वो कर सकते हैं। तो और अगर उनकी प्रायोरिटीज कुछ और है, देन दे शुड थिंक अबाउट इट। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सर ने बहुत बहुत शुक्रिया सर का, सर ने आप लोगों को बहुत मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया आपको। हेलो दोस्तों, मैंने बहुत कोशिश की, अब तक जो भी जो टीचर्स थे हमारे, जो फैकल्टी थे, उनसे मैंने लिया रिव्यू। अब मैं आया हूँ हमारे सुंदर सर, जो कि सर खुद आउटसाइडर है। सर आप कहाँ से? मैं बेसिकली हरियाणा से। ओके, तो सर जो हमारे हरियाणा से हैं, तो मैं भी सोचा कि सर के पास आया हूँ, और जो भी स्टूडेंट का क्वेश्चन था, प्रॉब्लम था कि मैं ऑनलाइन काउंसलिंग अभी चल रही है, या एडमिशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, या कोई कन्फ्यूजन है, मुझे लगता है सर छोटे लफ्ज़ों में सर जो वो इस चीज़ को आप लोग कन्फ्यूजन क्लियर कर देंगे। ओके सर, मैं सिर्फ और सिर्फ आउटसाइडर के लिए नहीं, सभी स्टूडेंट्स के लिए है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी क्लासीफाई किया हुआ है कि सब डिफरेंट 5A to F डेस्क तक क्लासीफाई किया हुआ है। किसी भी डेस्क पे कोई भी अगर हमारे पास कैंडिडेट आता है तो उसको प्रॉपर या तो डेस्क का नंबर दिया जाता है, या फिर डेस्क के उसके पास पावर कर दिया जाता है। अगर वो खुद भी कर सकता है तो भी कोई इशू नहीं है उसके ऊपर, वो भी कर सकता है। और जो भी जो इस ये काउंसलिंग है, इस काउंसलिंग में 10th, 12th ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेक किया जाएगा, उसका करेक्टर सर्टिफिकेट है, CUCT स्कोर जो है वो क्या है, कैटेगरी सर्टिफिकेट उसका जो है वो क्या है, वो ये चेक किया जाएगा। और किसी भी स्टूडेंट्स के लिए कोई परेशानी या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो इस उसमें नहीं है। काउंसलिंग के दौरान बिल्कुल इजी और कंफर्टेबल जोन में हर कैंडिडेट को जो है एंटरटेन किया जा रहा है, किसी भी कैंडिडेट को नहीं छोड़ा जा रहा, जहाँ पे भी कहना हो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सुंदर सर का, जिन्होंने अपना टाइम निकाला इस चीज़ के लिए। तो करते हैं कि आप लोगों को सारा कन्फ्यूजन अब तक क्लियर हुआ होगा, और मैंने दिखाया है डिस्क ए से लेकर एफ तक मैंने सारा डिस्क दिखाया आप लोगों को वीडियो में। तो अगर आप लोगों का कन्फ्यूजन या दिक्कत प्रॉब्लम सॉल्व हुआ होगा, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हमें मोटिवेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो इस तरह आप लोगों की हेल्प के लिए तैयार हूँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।